तो दोस्तों आज हो गई है 1 जुलाई 2021 और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक दोस्तों आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसान आंदोलन का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ के बाद अमित शाह को लपेटा है, बोली है बीजेपी के कहे मुताबिक टीवी वाले करते हैं डिबेट। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि नेशनल टेलीविजन पर हर रोज होने वाली डिबेट्स बीजेपी के ही इशारे पर होती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृहमंत्री के कार्यालय पर ममता बनर्जी सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि नकली वैक्सीन घोटाले के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। ममता बनर्जी ने गोदी मीडिया पर आगे निशाना साधते हुए कहा है कि हर दिन राष्ट्रीय टीवी पर पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा होती है, भाजपा टीवी पर हुकुम चला रही है और वे गलत सूचना दे रहे हैं, वे हमें बदनाम करना चाहते हैं, यह गृह मंत्री के कार्यालय की एक चाल है, मुझे इस पर पूरा यकीन है। ये यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह को लपेटा है और यहाँ पर गोदी मीडिया को ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, न्यूज 18 ने किसानों को बताया है अराजक। अलका लांबा बोली जिस दिन वो अराजक हो जाएगा पूरा देश भूखा मरेगा। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की नेत्री और पूर्व विधायक अलका लांबा ने आंदोलन कर रहे किसानों को अराजक कहे जाने का यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। अलका लांबा ने कहा है कि किसान ना कभी अराजक था और ना ही कभी अराजक हो सकता है। जिस दिन किसान अगर अराजक हो गया तो उस दिन पूरा देश भूखा मरने लगेगा। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों और भाजपा समर्थकों के बीच में झड़प देखने को मिली। इस दौरान लाठी डंडे भी चले बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, यहां पर पथराव भी किया गया किसानों के ऊपर। इसके बाद गोदी मीडिया ने किसानों के खिलाफ अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। न्यूज 18 इंडिया पर अमीश देवगन ने कहना शुरू कर दिया कि किसान का झंडा बीजेपी, विरोध का एजेंडा, आंदोलन का नाम और अराजक काम। अमीश देवगन ने इस स्लोगन को ट्विटर पर पोस्ट किया है जिसके जवाब में अलका लांबा ने कहा है कि किसान इस देश का अन्नदाता है, अन्नदाता कभी भी अराजक नहीं हो सकता है, अन्नदाता जिस दिन अराजक हो गया उस दिन पूरा देश यहां पर भूखे मर जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि गोदी मीडिया लगातार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, घूस मामले में फंसे हैं आरएसएस के प्रचारक, रिश्वत मांगने का वीडियो आया है सामने, एसीबी ने दर्ज किया है केस। आप लोगों को बताते चले, आरएसएस के राजस्थान प्रचारक निंबाराम घूसखोरी के मामले में फंस चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जयपुर ग्रेटर नगर निगम में साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी को बिल का भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संघ प्रचारक निंबाराम सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर जयपुर के साफ सफाई का काम देखने वाली कंपनी बीवीजी का 276 करोड़ रुपए का बिल बना था जिसके भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए की घूस मांगी जा रही थी। इस घूसखोरी के लेन देन की बातचीत का वीडियो सामने आ गया है जिसमें संघ प्रचारक निंबाराम की संलिप्तता की बात कही जा रही है। ये यहां पर घूस मांगते हुए धरे गए हैं आरएसएस के प्रचारक। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का दिया है आदेश। तो राहुल गांधी बोले सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोगों को बताते चले, देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजे की धनराशि सरकार तय करे। इसके साथ ही इसके लिए 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाने का निर्देश भी दिया गया है। इस पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर व्यक्त की है। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की एक न्यूज हेडलाइन शेयर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है, कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए, ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। देख सकते हैं कि मोदी सरकार को तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा क्योंकि मोदी सरकार ने पहले हाथ खड़े कर लिए थे कोविड मृतकों के परिजनों को यहां पर सहायता करने को लेकर के। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को दी है खुलेआम धमकी। कहा, किसान शब्द पवित्र है इसलिए बरत रहे हैं संयम। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी और गोदी मीडिया मिलकर के लगातार किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को एक तरह से घुड़की भरे अंदाज में कहा है कि वह सीमाएं लांघ चुके हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हम सिर्फ इसलिए संयम बरत रहे हैं कि किसान शब्द पवित्र है, लेकिन इन्होंने पवित्रता तोड़ी है। संयम भी एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। यह मुट्ठी भर लोग हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार आंदोलनकारियों को अपनी हद यहाँ पर याद दिलवाई है। अंत में यह भी कह दिया है कि दिल्ली जाने वाला रास्ता भी जल्द ही खुलेगा। अब मुख्यमंत्री के इस कथन के अर्थ निकाले जा रहे हैं कि आखिर सरकार की मंशा यहाँ पर क्या है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को खुलेआम यहाँ पर धमकी दी है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। रामदेव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट का रामदेव को फरमान। एलोपैथ पर दिए गए बयान का ओरिजिनल वीडियो पेश करें। आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथी मेडिसिन पर दिए गए उनके बयान का वास्तविक रिकॉर्ड अदालत में दाखिल करने को कहा है। आप लोगों को बताते चलें, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने रामदेव की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से पूछा जो उन्होंने कहा है इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड आखिर कहाँ है, आपने पूरी तस्वीर सामने नहीं रखी है। इस पर मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि वो रामदेव के बयान का ओरिजिनल वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट पेश कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो अब यहाँ पर रामदेव की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लगेगा तगड़ा झटका दोस्तों। ये यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आई है। लगातार रामदेव की गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। देश के कई राज्यों में यहाँ पर रामदेव के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। OP राजभर लाए हैं 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी CM का फार्मूला। आप लोगों को बताते चलें, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अनूठा फार्मूला लेकर के आए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के जरिए 10 छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाने वाले राजभर का कहना है कि प्रदेश में अगर उनके मोर्चे की सरकार बनी तो 5 साल में प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री और हर साल 4 उपमुख्यमंत्री यानी कि 5 साल में 20 उपमुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूपी में जाति का नहीं खेत का समीकरण करेगा काम, बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण नहीं बल्कि खेत का समीकरण ही काम करेगा। टिकैत ने कहा है कि बीजेपी को अगले साल कृषि कानूनों के चलते चुनाव में खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। इस बीच दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों के बीच संघर्ष देखने को मिला है। इस पूरे मामले को लेकर के राकेश टिकैत बीजेपी पर भड़के हैं। इस पूरे मामले पर राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर हमारे मंच पर आपको आना ही है तो भाजपा को छोड़ करके आना होगा। ये दिखाना कि हमने किसानों के मंच पर भाजपा का झंडा लहरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया, ये सही नहीं होगा। राकेश टिकैत ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि हम ऐसे लोगों का बक्कल उधेड़ करके रख देंगे। ये यहाँ पर भड़के हैं राकेश टिकैत बीजेपी के ऊपर। एक और अपडेट जान लेते हैं। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं अमूल दूध के दाम। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। आसमान छू रही डीजल पेट्रोल की कीमतों का असर अब अन्य खाद्य पदार्थों पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगा है। 1 जुलाई यानी कि आज से अमूल दूध यहाँ पर 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और नई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। देख सकते हैं लगातार यहां पर आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर झटकों पर झटके लगते ही जा रहे हैं। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। पंजाब के किसानों का बीजेपी के खिलाफ खुला वार। अब यूपी बिहार के मजदूरों को समझा रहे हैं भाजपा को वोट मत देना। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि पंजाब और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मोदी सरकार के द्वारा बीते साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के लोगों में काफी गुस्सा है जिसके चलते यह तय है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दरअसल पंजाब ऐसा राज्य है जहां बड़ी तादाद में यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं। इस वक्त पंजाब में
फसल बोने का सीजन चल रहा है। किसानों के खेतों में उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर ही काम कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, पंजाब के संगरूर के रहने वाले किसान ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को यह समझा रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट बिल्कुल भी ना दे। हमने उन्हें कहा है कि आप लोग आने वाले यूपी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को वोट दे देना, लेकिन बीजेपी को वोट बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, किसानों से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता तो बोले हैं जयंत चौधरी गुंडों की फौज मंच को हथियाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को बीते कई महीनों से कई विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, और वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प की खबरें सामने निकल के आई हैं। आप लोगों को बताते चलें, किसानों से भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। इसके अलावा प्रदर्शन स्थल पर मौजूद गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस पूरे मामले में राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट कर किसान आंदोलनकारियों का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, किसान महीनों से सड़क पर संघर्ष कर रहा है, उसके साथ यहां पर नाइंसाफी हो रही है, गुंडों की फौज लेकर के किसान के मंच को हथियाएंगे ये लोग, ये यहां पर कहना है जयंत चौधरी का। इस बार इनके अकल को ठिकाने लगा दिया जाएगा। जबरदस्त तरीके से विपक्षी दल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर के। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।